एमपी के इस मंदिर में है चमत्कारी शिवलिंग। यहाँ कभी बंद नहीं होती जलधारा, उल्टा स्वस्तिक बनाने की भी है परंपरा। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पीच। जी हाँ, भोलेनाथ का एक ऐसा रहस्य मंदिर जहाँ कभी नहीं रुकती जल की धारा। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी, जिसे धार्मिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कई ऐसे चमत्कारिक मंदिर हैं जो अपने आप में प्रसिद्ध हैं। ऐतिहासिक विरासत संभाले दगवाड़ा में एक अनूठा शिव मंदिर है जिसका नाम बोरेश्वर महादेव है। स्थानीय स्तर पर प्रचलन है कि बोर जैसी आकृति के कारण इसका नाम बोरेश्वर महादेव रखा गया। हालांकि इस अनूठे शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि इनकी जलधारी से कभी पानी खत्म नहीं होता है और यहाँ कई चमत्कार भी देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन से 36 किलोमीटर की दूरी पर इंगोया आता है। वहीं से 6 किलोमीटर की दूरी पर दंगवाड़ा में बोरेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। यहाँ महादेव की विलक्षण और स्वयंभूलिंग मूर्ति है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मंदिर अति प्राचीन सिद्ध स्थल है। यहाँ मांगी हुई हर मन्नत पूरी होती है। ऐसे तो बोरेश्वर महादेव की प्रतिमा काफी प्राचीन है। यहाँ का विशेषता है कि महादेव की जलधारी से कभी भी पानी खत्म नहीं होता है, हमेशा एक समान ही बना रहता है। जलधारी में कितना ही पानी डाल दो, वह हमेशा एक जैसा ही रहता है, न ज्यादा होता है और न ही कम। मंदिर के पुजारी जी की माने तो माँ चंबल नदी बोरेश्वर महादेव की परिक्रमा करके गुजरती है, लेकिन महादेव के सोम सूत्र का उल्लंघन नहीं करती। लोगों का कहना है कि नंदी महाराज भी रात में यहाँ चलते हुए भक्तों को दर्शन देते हैं और यहाँ शिवलिंग के नीचे पाताल लोक भी है। साथ ही यहाँ शिवलिंग के पास रास्ता है वो चंबल नदी से मिलता है, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। चंबल नदी जब अपने रौद्र रूप में आती है तो भी मंदिर का जल स्तर समान ही बना रहता है। यदि आप भी बोरेश्वर महादेव के बारे में ये जानकारी पहले से जानते थे तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए ऐसी ही जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। धन्यवाद।